पड़ेगा। सियासत का नशा सिंतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है, और सियासी भेड़िए थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, तवायख तक किसी मौके पर घुंघरू तोड़ देती है। मैं चाहता हूँ एक बार जरा जोरदार तालियों के बीच में भाई संकल्प क्षत्रिय का आप स्वागत करें। बेलखंड की धरती से जरा कमजोर तालियां हैं अपने छोटे भाई के लिए। इधर के लोग तो इतना निराशा भाव में बैठे, भाई साहब एक बार तालियां बजा दीजिए, उत्साह आ जाए। हमारे गुरुजन बैठे हुए हैं तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ, और जो काम ये संस्था कर रही है और वही काम हम कवियों का भी होता है, ये माहौल को जैसा माहौल है या संक्रमण का जो समय है उसको बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, और हमारा भी काम वही है जो भी कवि हैं कि जैसा माहौल है तो माहौल को और बेहतर बनाया जाए। तो इस संस्था के लिए पहले मैं एक छोटा सा गीत पढ़ता हूँ, फिर कि खुशबू उड़ाते फिरे रंग लगाते फिरे, काम क्या है, खुशबू उड़ाते फिरे रंग लगाते फिरे, महफिल महफिल खुद को लुटाते फिरे, खुशबू उड़ाते फिरे रंग लगाते फिरे, महफिल महफिल खुद को लुटाते फिरे, गली गली गाते फिरे गली गली गाते फिरे तुलसी कबीरा रे, गली गली गाते फिरे तुलसी कबीरा रे, हमें है फकीरा रे। और क्या करते हैं, जोगे जगाते फिरे भोगे भगाते फिरे, जोगे जगाते फिरे भोगे भगाते फिरे, हृदय हृदय नेह बढ़ाते फिरे, पूछते हैं आंसू सबके पूछते हैं आंसू सबके, रहे सदा निरारे, पूछते हैं आंसू सबके रहे सदा निरारे, हमें है फकीरा रे हमें। और अब हमारी हमें भैया बिरला वाले हो जरूर सुना, वो मैं भूल चुका हूँ। तो अब हमारी बहुत सारी बहनें बैठी हुई हैं, और जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, दुखद घटनाएं हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, तो उनको क्या करना चाहिए, कि गिरवी रख दो तुम शर्म को, मारो अंतश के मरम को, उनको क्या करना चाहिए, कि गिरवी रख दो तुम शर्म को, मारो अंतश के मरम को, हाँ भले अनुपात जो हो आदि आबादी बनो तुम, हाँ भले अनुपात जो हो आदि आबादी बनो तुम, लड़कियों बागी हाँ भले अनुपात जो हो आदि आबादी बनो तुम, लड़कियों बागी बनो तुम, लड़कियों बागी बनो तुम, कैसे बनो, यूं उठो कि थर थराओ हे जमाने का चलन, यूं उठो कि थर थराओ हे जमाने का चलन, यूं गिरो बिजली की माफिक टूटे तिलिस्मी भवन, त्याग दो मादक तसारी कोमलता छोड़िए, त्याग दो मादक तसारी अब तो उन्मादी बनो तुम, लड़कियों बागी बनो, लड़कियों बागी बनो तुम, छोड़ो ये सजना सवरना, छोड़ो तिल तिल में बिखर,
देखता रहना। जो छोटी छोटी बातों में आप टूट जाती तो छोड़िए, छोड़ो ये सजना सवरना, छोड़ो दिल दिल में बिखरना, लड़के अपने हके पुछीनो, छोड़ो कैंडल मार्च धरना। वो सारी होने वाला है, कैंडल मार्च रखिए धरना करिए, पर होगा ही नहीं। तो छोड़ो ये सजना सवरना, छोड़ो दिल दिल में बिखरना, लड़के अपने हके पुछीनो, छोड़ो कैंडल मार्च धरना, छोड़ दो अब मोम बनना, हाँ यकीन आगी बनो तुम, लड़कियों बागी बनो, लड़कियों बागी बनो। एक गीत है कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, हम लोग धड़ों में बटे हुए हैं, कोई दक्षिण है, कोई वाम है, कोई पूरब है, कोई पश्चिम है, तो दुनिया कैसी होनी चाहिए, ये किस तरह की होनी चाहिए? स्वागत भाई, स्वागत। ना कोई राजा जहां पर, ना कोई आवाम होगा। कैसी होनी चाहिए कि ना कोई राजा जहां पर, ना कोई आवाम होगा, ना कोई दक्षिणे जहां पर, ना ही कोई वाम होगा, ना कोई दक्षिणे जहां पर, ना ही कोई वाम होगा, ना कोई पूरब जहां पर, ना कोई पूरब जहां पर, ना ही पश्चिम होगा कोई, ना कोई पूरब जहां पर, ना ही पश्चिम होगा कोई, ना कोई हिंदू जहां पर, ना कोई इस्लाम होगा, पंथ जाति वर्ग मजहब कह रहे हैं, पंथ जाति वर्ग मजहब तोड़ ये सारी शिलाएं, एक नई दुनिया पंथ जाति वर्ग मजहब तोड़ ये सारी शिलाएं, एक नई दुनिया बनाए, एक नई दुनिया बनाए। कैसी दुनिया होनी चाहिए? स्वागत कि फिर से रश्मि धार बरसे, दीप्त हो अंत से हमारा, फिर से रश्मि धार बरसे, दीप्त हो अंत से हमारा, फिर जीवन तटे कुशींचे, ने है वह तरणी की धारा, जागे उठे फिर मनुजता, जागे उठे फिर मनुजता, दीप्त हो कर जनों में, फिर तथागत की धुनों में, डूब जाए वेश सारा, जागे उठे फिर मनुजता, दीप्त हो कर हृदय में, फिर तथागत की धुनों में, डूब जाए वेश सारा, मुख्य बिंदु पर ही आकर, केंद्र बिंदु पर ही आकर, फिर मिले सारी दिशाएं, एक नई दुनिया बनाए, एक नई दुनिया बनाए, एक नई दुनिया। याद है हम जो कह रहे हैं, वो पढ़िए, वो याद नहीं है, कोशिश करिए, याद नहीं होना पड़ा, एक मुतल मैं आपको ये अच्छा पढ़ रहा हूँ। तो एक कविता है, इसके बाद वो भी सुनाएंगे, तुम सुनाओ। एक कविता का शीर्षक है सुना है, सुना है, सुना है, कि एक शब्द ही दोहराता था, आपके लिए, एक शब्द ही दोहराता था, असुधार की अलख जगाकर, एक शब्द ही दोहराता था, असुधार की अलख जगाकर,
सुना है वह चंचल पा लड़का हो गया काशी सबकी दोहराता था अशुधार की अलख जगा कर सुना है वह चंचल पा लड़का जोगी हो गया काशी आकर दूध हाथों के मिट्टी की गंध लिए फिरता था तन में सही बात है। दूध हाथों के मिट्टी की गंध लिए फिरता था तन में भावुकता की भव्य धरोहर पीसा गया तर्क के रंग जो हिंदी वाक की तर्कों में जो रण दूध हाथों के मिट्टी की गंध लिए फिरता था तन में भावुकता की भव्य धरोहर पीसा गया तर्क के रण में ग्राम तरुणियों के तकते जो छिप जाता था कभी न जाकर ना है वह चंचल पा लड़का जोगी हो गया काशी आत्म भूमि में एक निष्ठ हो आवाहन कर विविध कलाएं पारायण करता रहता है ग्राम वेद की गूढ़ ऋचाएं आत्म भूमि में एक निष्ठ हो आवाहन कर विविध कलाएं पारायण करता रहता है ग्राम वेद की गूढ़ ऋचाएं रूप रंग सब त्याग रखे है रूप रंग सब त्याग रखे है सृष्टि को न स्वर बतला कर सुना है वह चंचल पा लड़का जो ही हो गया काशी एक कविता आप सुन लीजिए मेरे मन की कविता है यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हम सबका सफर 4-5 या 6 वर्षों का होता है जब यहाँ से हम सब छोड़ के जाते हुए होते हैं तो क्या होता है मन में इसी भूमिका पे एक कविता है और इसकी कविता इतनी पाक है इतनी शुद्ध कविता ये पढ़ रहा है आपसे मैं तालियों के लिए निवेदन कर रहा है मतलब कुछ ऐसी प्रपंच से आपके बीच कविता पढ़ रहा है तो मैं चाहता हूँ कि इसके लिए मन से सुना जाए एक बार तालियां बजा दीजिए और गीत के विद्यार्थी को इसलिए संबल दीजिए कि हमारे कविकुल के बड़े कवि हुए गोपालदास नीरज उन्होंने कहा कि गीत जब मर जाएंगे तो क्या यहाँ रह जाएगा एक सिसकता आंसुओं का कारवां रह जाएगा और प्यार की धरती अगर बंदूक से बांटी गई तो एक मुर्दा शहर अपने दरमियान चाहता हूँ इस यादों की कविता के साथ इसकी इसके काव्य पाठ की समाप्ति हो मैं चाहता हूँ कविता पढ़ेंगे आप लोग थोड़ा कविता का शीर्षक है दोस्ती के नाम जो हम लोगों का 5 या 6 साल का जो सफर रहा यहाँ का और उस सफर के बाद जब हम लोग अपनी अपनी दुनिया में लौट गए तो दोस्ती के नाम कविता लिखी मैंने और उसमें आप मतलब भी जेंडर संबंधित कर सुनिए कि ये कोई गीत नहीं विशुद्ध कविता है तो थोड़ा सा उधर के लोग भाई थोड़ा सा मदद कर दें आप व्यवस्था के लोग दुर्व्यवस्था ना फैलाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा थोड़ा सा कविता का शीर्षक है दोस्ती के नाम आज की यह सांझ भारी है कि कविता लिख रहा हूँ दोस्ती के नाम आज की यह सांझ भारी है कि कविता लिख रहा हूँ दोस्ती के नाम एक पागल के लिए दूसरे पागल का यह पैगाम आज की यह सांझ भारी है कि कविता लिख रहा हूँ दोस्ती के नाम एक पागल के लिए दूसरे पागल का यह पैगाम तुम तो पागल हो बहुत भोली हो चंचल हो सजल हो तुम तो पागल हो बहुत भोली हो चंचल हो सजल हो तर्क से अनभिज्ञ भावुक हो तरल हो स्नेह के धागों से निर्मित कोई पौराणिक कड़ी हो सभ्यता में कला में मुझसे कहीं आगे खड़ी हो स्नेह के धागों से निर्मित कोई पौराणिक कड़ी हो सभ्यता में कला में मुझसे कहीं आगे खड़ी हो कोलाहल भरते समय में दूर बहती एक नदी सी जिसके भावों की विचारों की है लोगों को जरूरत उस सदी सी कोलाहल भरते समय में दूर बहती एक नदी भी जिसके भावों की विचारों की लोगों को जरूरत वो सदी सी संक्रमण के इस समय में सब मिलेंगे रंग बदल कर
अब तो हम जुदा हो रहे हैं, दिव्य हिदायत कि संक्रमण के इस समय में सब मिलेंगे रंग बदल कर, ये जो दुनिया है ना इसमें हर कदम रखना सहल कर, रास्ते खुद के बनाना पुस्तकों से आग लेना, रास्ते खुद के बनाना पुस्तकों से आग लेना, अच्छी अच्छी कविता लिखना महफिलों में भाग लेना, रास्ते खुद के बनाना पुस्तकों से आग लेना, अच्छी अच्छी कविता लिखना महफिलों में भाग लेना, जिंदगी की जंग है ये सह होगी या मात होगी, जिंदगी की जंग है ये सह होगी या मात होगी, खुद को मत मायूस करना हाँ कभी फिर बात होगी, जिंदगी की जंग है ये सह होगी या मात होगी, खुद को मत मायूस करना हाँ कभी फिर बात होगी, गलतियों को माफ करना कच्ची मिट्टी का भरा हूँ अब नहीं लिख पाऊंगा मैं लिखते लिखते रो पड़ा।